समझ में नहीं आ रही है क्या बुढ़िया, मुझे ये बता दे। उसकी माँ है, वो बाहर बैठा है, ठीक है? तो समझ में नहीं आ रहा क्या? ए बुढ़िया चल खड़ी हो, क्यों मेरे बाप कौन सा होता है, तूने पैदा किया मेरे को? समझ में नहीं आ रही क्या? तो हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज ये माता जी आई हुई हैं। माता जी आपका नाम? मेरा नाम सुनीता। इनका नाम सुनीता है, और जो इनकी प्रॉब्लम है ना, वो इनकी प्रॉब्लम भाई इतनी बड़ी है, मतलब कि आप खुद सोचोगे ना कि भाई बहुएं ऐसा भी करती हैं। जो इनकी घर की बहू की हरकतें ना, आप सोचोगे यार ऐसी भी बहुएं होती हैं। मतलब जो बहू है वो इनको जहर की गोली देने तक की धमकी दी हुई है। वैसे तो वो गोलियाँ इनको डेली देती है, मतलब कि दूध में मिला के नींद की गोलियाँ देती है। तो आंटी जी देखो, आपने मेरे को तो सारी बातें बताई हैं, ठीक है? प्लीज़ वहाँ पे सामने कैमरा लगा हुआ है, हमारे व्यूवर्स को बताओ क्या प्रॉब्लम है। मुझे अपने घर से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरी बहू मुझे बहुत परेशान कर रखी है। बेटा मेरा घर से बाहर रहता है नौकरी करने के लिए। कहाँ पे रहता है आंटी जी? दिल्ली से बाहर रहता है वो। अच्छा, और आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड हैं नहीं, मैं अकेली हूँ। बहू मुझे नींद की गोलियाँ देती है दूध में, खाना मुझे ठीक ठाक देती है वो, किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं देती, लेकिन परेशान सिर्फ मैं उसकी हरकतों से ही हूँ। क्या ऐसी क्या हरकतें आंटी जी? उसकी हरकतें बहुत ज़्यादा खराब, गलत हरकतें करती है वो। मैं सो जाती हूँ रात को, जब मुझे दूध देती है तो उसमें नींद की गोलियाँ देती है, तो मैं उन नींद की गोलियों से सो जाती हूँ। उसके बाद के अंदर मेरी आँख खुलती नहीं है, पता नहीं गलत गलत लड़के आते हैं घर। आपको कैसे पता लगा? मेरे को पता लगा है कि एक दिन उन्होंने मुझे दूध दिया था, तो उस दूध के अंदर मक्खी गिर गई थी, मैंने वो दूध पिया नहीं, दूध नहीं पिया तो मेरी अचानक आँख खुल गई जल्दी। मैंने उठ के देखा तो बहू के साथ में कोई और लड़के थे कमरे में। तो मतलब भाई आप देख लो, मतलब कि कैसी बहू आ रही है, ऐसा कुछ ड्रामा क्रिएट हो रहा है। और क्या बोलती है आंटी जी आपको? और वो मुझे मारने की धमकी देती है। हाँ, मैं उससे बहुत परेशान हूँ, बेटे को मैं बता नहीं सकती। क्या बोलता आपका बेटा? मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता है वो बिल्कुल भी। का बेटा कुछ नहीं तो बोलता? मैं किसको बताऊँ, कौन है मेरे सुनने वाला जिसको मैं बताऊँ? जब बेटा अपना ही होकर नहीं सुन रहा है तो मैं दूसरे को किसको बताऊँ? मैं तो आपको बता रही हूँ, आपको अपना समझा, इसलिए मैंने आपको बताया ये सब। कोई बात नहीं, देखो जी आंटी जी घबराओ मत, आप टेंशन मत लो। देखो रो मत आप आंटी जी, आपके बेटे जैसा ही मैं, प्लीज़ देखो रो मत, ठीक है? आपकी प्रॉब्लम मैं ज़रूर सोल्व करूँगा, ठीक है? आपके पास नंबर है उनका? हाँ जी। आप है ना उनको कॉल करो, कॉल करके यहाँ पे बुला लो एक बार, ठीक है? ठीक है, आप उनको कॉल करो एक बार और लाउड स्पीकर ऑन कर दो भाई। मतलब कि देख लो, बहुएं ऐसे आ रही हैं, आंटी जी माता जी हैं ये, जो इनको जान से मारने की धमकी दी हुई है। लाउड स्पीकर ऑन कर दो आंटी जी। आता नहीं मुझे तो ऑन करना। हेलो बेटा। विधि बेटा, मैं ये घर के सामने वाले पार्क में बैठी हुई हूँ। कहाँ क्या कर रहे हो? आपको मैंने बोला था ना आप घर में रहा करो, बेटा पार्क में घूमती रहती हो। बेटा मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई, मैं वैसे ही आई थी, आप यहाँ आ जाओ जरा। अच्छा बताओ कौन से पार्क में? जीना दुश्वार किया हुआ है मेरा तो। के अपने घर के सामने वाले पार्क में ही हूँ बेटा। ओके आती हूँ, वेट करो वहीं पे और हिलना मत वहाँ से कहीं भी। ओके ठीक है बेटा। तो भाई आप उसके बोलने के अंदाजे से ये पता लगा सकते हो। तो देखो आंटी जी कोई बात नहीं, आप घबराओ मत, ठीक है? ये मेरा माइक है, इस माइक को आप अपने पास रखना और वहाँ पे सब कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा जो कुछ बोलती हैं, ठीक है? फिर आपका बेटा भी आपकी बातों पे यकीन करेगा, ठीक है? तब तक भाई आप भी थोड़ा कैमरा साइड कर दो। हाँ बुढ़िया, कहाँ लगी है तुझे चोट? कहाँ बता, कौन सा? कोई बात नहीं, बता बता, बैठो, मुझे तेरे से बात करनी है बेटा। बैठो तो, आप घर नहीं मिला क्या तुझे बात करने के लिए? बैठो, आप बैठो यहाँ पे, बात करूँ मैं? बैठो तो, करूँ मैं? घर क्यों नहीं मिला बात करने के लिए, ये बता। कोई बात नहीं बेटा, आप मेरी बात समझो कि आप जो कर रहे हो ना ये अच्छा नहीं कर रहे हो। क्या कर रही हूँ मैं? क्या मेरी बेस्ती होती है गली बस्ती के, देखते हैं आप क्या बेस्ती हो रही है? तुझे रोटी नहीं मिल रही है क्या टाइम पे?
तू बस रोटी खा बेटा, सो जा, ठीक है? जो तुम गलत गलत लड़कों के साथ में आते कौन जाते से हो लड़के है? कैसे गलत लड़के, तू पूरे दिन सोती है बुढ़िया, तुझे पता क्या है कि कौन से लड़के आ रहे हैं, कौन आ रहा है घर में? मोहल्ले पड़ोस के लोग बोलते हैं तो अच्छा थोड़ी लगता है। मोहल्ले पड़ोस का बोल रहा है, बोल, तुझे पता नहीं है मैं क्या कर सकती हूं? ये बात अच्छी नहीं है। मैं उठवा सकती हूँ, मैं यहीं से बैठे बैठे और वो भी एक फोन पे। मैं अपने बेटे को बताती नहीं हूँ क्योंकि वो मेरी बात नहीं मानता है इस वजह से। अच्छा, तो बेटा घर की ये इज्जत है थोड़ी सी, उसको नहीं मानेगा तूने पैदा किया, तेरी बात नहीं सुनेगा तो क्या मेरी सुनेगा वो? थोड़ा सोच समझ के चलो बेटा। क्या सोच समझ के चलो, मुझे बता तू यहाँ क्या कर रही है, पहले तो ये बता तू घर पे क्यों नहीं बात होती तेरे से, यहाँ क्या करने आई है? मुझे तो लगता है तू अय्याशिया करने आई है यहाँ पे पार्कों में, क्या किसको देखने आई है यहाँ पे, बोल क्या है तेरे समझ में क्यों नहीं आ रही है, क्या करना क्या चाहती है तू, क्या चाहती है मुझसे, क्या चाहती है? दो मिनट लगते हैं मुझे, दो मिनट जिसे कहते हैं, ठीक है? तेरे और तेरे खानदान को ना ऐसे बर्बाद कर सकती हूँ मैं, समझ आया तुझे कुछ? चल घर चल, उठ के चल, चल खड़ी हो यहाँ से, चल चल खड़ी हो यहाँ, क्या ड्रामा दिखा रही है? मगरमच्छ के आंसू है ना, किसी और को दिखाना तू, ये मेरे को मत दिखा, ठीक है? बहुत देखे तेरे जैसे मगरमच्छ के आंसू मैंने, चल खड़ी हो, खड़ी क्यों नहीं होती है? चल चल समझ जाओ बेटा, समझो समझो, कौन सी टांग टूटी है तेरी ये बता मुझे, कौन सा सर फूटा तेरा? समझो क्या, समझो अपनी इज्जत को, समझो थोड़ा सा मेरी भी इज्जत को, समझो। मैं करके रही हूँ, मैं करके रही हूँ, करके रही हूँ, कौन सी इज्जत जो आप कर रहे हो, ये गलत है ना, ये गलत है। क्या गलत कर रही हूँ, तुझे रोटियाँ देती हूँ सुबह शाम पका के, और तुझे चाहिए क्या मुझसे? रोटी खा और सो जा जाके, ठीक है? यही काम है बस तेरा, तेरे को समझ में नहीं आ रही है क्या बुढ़िया? मुझे ये बता दे है? घर चल, उठे ले यहाँ से, चल ज्यादा ड्रामे मत दिखा यहाँ पे, खड़ी हो चल, तू खड़ी क्यों नहीं होती है यहाँ पे, निकल पार्क से, ठीक है? ड्रामे मत दिखा यहाँ पे, खड़ी हो यहाँ से, चल खड़ी क्यों नहीं होती है तू, ज्यादा ड्रामा दिखा रही है क्या? चल चल मेरे को ले चलो घर पे। कौन हो भाई? मैं रह लूंगा तेरे साथ। नहीं कौन है तू, मुझे ये बता, तू है कौन? नहीं मैं रह लूंगा तेरे साथ। तू क्यों रहेगा, तू मेरे साथ क्यों रहेगा? तू मेरा हस्बैंड लग रहा है, क्या लग रहा है तू मेरा? जब दूसरे लड़के आ सकते मैं भी आ जाऊं। कौन दूसरा लड़का आ रहा है, कौन आ रहा है तू बता मुझे, तूने किसको देखा है? ये आंटी जी यहाँ से रो रही है इतनी। ये आंटी जी कौन लगती है पहले तो तू ये बता, तेरी माँ लगती है, तेरी बुआ चाची लगती है, क्या लगती है? क्या तेरी माँ, कोई माँ वहाँ नहीं है, जिसकी माँ है वो बाहर बैठा है, ठीक है? समझ में नहीं आ रहा क्या, मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ। थप्पड़ मारा तूने मुझे, थप्पड़ कैसे मारा? तू है कौन, है तू है कौन, तू थप्पड़ क्यों मार रहा है मुझे ये बता तू मुझे। आराम से खड़ी हो गए, बात कर ले। क्यों करूँ मैं तुझसे बात, तू है कौन मेरा? मैं जानती नहीं पहचानती, तू मेरा रिश्तेदार नहीं है, मेरी ससुराल का कोई रिलेटिव नहीं है, तू मेरे मायके का कोई रिश्तेदार नहीं है, तू कौन है? तू मेरा हाथ छोड़, ठीक है? और मैं तुझे बता दूँ कि मैं लड़की हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, ठीक है ना? मेरे तू मेरा कोई रिश्तेदार नहीं लग रहा है। तेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या? मुझे क्यों मार रहा है तू, मुझे क्यों मार रहा है तू? तेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं बोल रहा हूँ बैठ जा, चुप हो गए। क्यों बैठूं मैं चुप होके? तू है कौन मेरा बुढ़िया? तू इतने ड्रामे जो दिखा रही है ना, तू किसको लेकर आई अपने हिमाती को, समझ में आई ना? यहाँ पे बैठ जा, चुप हो गए। क्यों बैठूं मैं ये बता तू, क्यों बैठूं मैं? चुप हो गए, बैठ जा यहाँ। क्यों बैठूं वाए वाए वाए, क्यों बैठूं मैं? मैं तेरे से प्यार से बात कर रहा हूं, दो मिनट बैठ जा यहां। तू मेरे से प्यार से क्या बात करेगा, क्या बात करनी है तुझे मुझे? तू मेरे घर का क्या लग रहा है तू? ये बेटी मेरी सास, ठीक है? मैं करूंगी इससे फैसला जो करना है, कर तू फैसला। हम अपने घर पे करेंगे बात जाके, ठीक है ना? ए बुढ़िया चल खड़ी हो, वो देखे तेरे ड्रामे, ये मगरमच्छ के आंसू पे मत जा तू इसके, ये बुढ़िया बहुत तेज है, तू नहीं जानता मैं रहती हूँ इसके घर में, ठीक है ना? तुझे नहीं पता है कैसी है ये ड्रामे बाज औरत, तेरे घर वालों को पता लगेगा तो कैसा रहेगा तेरे को पता है? कैसा लगेगा, मैं क्या गलत कर रही हूँ? मेरी लाइफ है, मेरे को जैसे जीनी है मैं वैसे जीऊंगी। तो तेरी लाइफ है तो दूसरे के साथ होएगी क्या? तू अपने हस्बैंड के साथ हो ना, किसे क्या प्रूफ है तेरे पास? मैं तेरे को बोल रहा हूँ प्यार से, चुप हो जा, चुप हो जा, तेरे को समझ में आया? क्या प्रूफ है तेरे पास? मैं सोती हूँ, क्यों समझूं मैं, समझूं तेरे को समझ में नहीं आ रही है क्या? माय गॉड, तू है कौन यार? तेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं प्यार से बोल रहा हूँ, प्यार से पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी तेरी, मैं तुझे भी बंद करा दूंगी और इसे भी बंद करा दूंगी। तू मेरा फोन दे, ठीक है ना? फोन दे तू मेरा, तू पहले मेरा फोन दे। तू मेरा फोन कैसे पकड़ रहा है? तू मेरा फोन कैसे छीन रहा है? पकड़ आंटी जी, तू है कौन? मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। चुप हो गया ना, यहाँ पे खड़ी हो जा आराम से, तेरे से ना बात करने के लिए बुलाई यहाँ पे आंटी जी ने, नहीं मैंने बुलाई तेरे को। क्यों, तू है कौन भाई? तू है कौन, कौन रिश्तेदार है मेरा? बोल थाने में बताइए तू मुझे कौन सा रिश्तेदार है मेरा? रिश्तेदार हूँ मैं, क्या बाप हूँ मैं, क्या करेगी मेरा बाप? क्यों, तू मेरा बाप कौन सा होता है? तूने पैदा किया मेरे को? समझ में नहीं आ रही क्या? मैं बोल रहा हूँ प्यार से कर ले, प्यार से बोल ले, देखो समझ में आ रही है? दोबारा हाथ लगा, लगा हाथ, लेकर आई अपने हिमाती को पता नहीं कहाँ से इसको। देख तेरे नाम की तो मैं कंप्लेंट ठोकती हूँ, तुझ पे डोमेस्टिक वायलेंस का केस ठोकूंगी। जा जा तू कंप्लेंट कर, तू जितना लेकर आई ना हिमाती को, ये भी जाएगा साथ में तेरे साथ थाने में, ठीक है? तू तो जाएगी, ये भी जाएगा। तू यहाँ, हाँ। तू ना बैठना यहाँ बैठ,
कहाँ भेजेगी? थाने भेजूंगी। थाने भेजेगी? करवाऊंगी, तुझे भी करवाऊंगी और इसे भी करवाऊंगी। और जो मैं करवाऊंगा ठीक है ना, तू क्या करवा लेगा? तू है कौन, तू करवा क्या लेगा? बताऊँ मैं कौन? कौन है तू? जज लग रहा है, कोई मिनिस्टर लग रहा है? देख वहाँ दिख रहा, वहाँ समझ रही है? अच्छा तो ये सब प्लानिंग थी ये हम लोगों की प्लानिंग। तू ये सब प्लानिंग करके आई है इसके साथ मिलके? कितने नोट दिए तूने इसे खाने के लिए? इतने पैसों में लाई है हिमाती को? बता बुढ़िया। हाँ इधर देख, इधर तेरे को समझ में नहीं आ रहा है? बोलिए, तेरे को वहाँ पे लोग पब्लिक तेरे को लाइव देख रही है, तेरे को शर्म नहीं है अभी? भाई देख लो, ऐसी बहुएं होती हैं घर की। दिखा उधर फेस, दिखाना, दिखा नहीं क्या, दिखा फेस उधर, लो देख लो भाई फेस देख लो इसका, दिखा उधर, शर्म नाम की चीज नहीं है भैया। ठीक है देखो अब नहीं, क्या भैया, क्या भैया ये वीडियो डिलीट कर दीजिए प्लीज। आंटी जी माइक देना, ठीक है माइक देना एक बार माइक है, इसमें ना आवाज भी रिकॉर्ड हो रही है, पता है तेरे को? आवाज भी रिकॉर्ड हो रही है इसमें, जो तू बोल रही ना कि तेरा हस्बैंड तेरे ऊपर ही ट्रस्ट करता है, इस बुढ़िया कौन सुनता है? तेरे को शर्म नहीं है? तेरे घर में माँ बाप नहीं है क्या? है उनसे भी ऐसे बातें करते हैं? बता। चलो ठीक, तेरी माँ को कोई बुढ़िया बुढ़िया बोले, तेरे बाप को बोले तब भी ऐसे एटीट्यूड दिखाएगी क्या? शर्म नहीं है क्या तेरे को बिल्कुल भी? बेटा आप छोड़ो, कोई बात नहीं। नहीं आंटी जी बात क्यों नहीं, आपको मारने की धमकी दे रही थी आपको, वो चीज सोचो ना, घर की बात है। चलो आपने समझाया, ये समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है, छोड़ो बेटा। देख लो ऋषि को क्या बोलती है, जहर दे के मारेगी। देख लो भाई ये बहू है, मतलब की जान, मतलब क्या बोल रही है बोलना, अब जहर दे के मारना चाहती है अपनी सास को। छोड़ दो चलो जो हो गया सॉरी सॉरी प्लीज, मैं आपसे गलती मांगती हूँ प्लीज मम्मी। नहीं तू तो मेरे ऊपर कंप्लेंट डाल रही थी, मैं माफी मांगती हूँ प्लीज। चलो भैया नहीं आंटी जी रुक जाओ, अभी अपनी माँ जैसा मानूंगी भैया, प्लीज आप वीडियो डिलीट कर दीजिए। नहीं वीडियो प्लीज, चुप हो जा प्लीज, प्लीज चुप हो जा, चुप है, दूसरों के साथ सो रही है वहाँ पे घर पे, है शर्म नहीं है तेरे को? अब तेरे को अपनी इज्जत दिख रही है, इनकी इज्जत सोची है तुमने? पड़ोस में क्या हो रहा तुम्हारी? बेटा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। देखो आंटी जी आपको वीडियो से प्रॉब्लम है? नहीं मम्मी जी प्लीज, पक्का नहीं है ना? नहीं करवा दीजिए इस वीडियो को, मैं डाल दूँ सकता हूँ ना यूट्यूब पे? मम्मी जी नहीं, मम्मी जी प्लीज, मम्मी जी डिलीट। हाँ बेटा वीडियो तो डालो ताकि लोगों को सच्चाई दिखाई दे, और बहुएं ऐसा कोई काम ना करें अपनी सास के साथ में। देख ले अब मैं तो भाई इन आंटी का भी धन्यवाद करता हूँ, मतलब कि देखो इन्होंने जो बताया, देखो रियलिटी बताई है, सच बात है, ऐसी लड़कियों का सच्चाई पता लगना बहुत जरूरी है, ठीक है ना आंटी जी? देखो मैं तो कहता हूँ इसके घर वालों को भी वीडियो दिखाना, ठीक है, और अपने बेटों को भी भेजना ये वीडियो। कुछ प्रॉब्लम नहीं है आपको? नहीं बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, ठीक है, इस वीडियो को मैं वायरल कर, ठीक है ना आंटी जी? भैया प्लीज प्लीज मुझे गलती हो गई, प्लीज आप ये वीडियो मत डालो। मैं ना तेरे से बात नहीं कर रहा हूं, मैं पीछे हट के बात कर रहा हूं, मैं तेरे से बात नहीं कर रहा हूं, प्लीज ये वीडियो मत डालो प्लीज, मेरी लाइफ खराब हो जाएगी। नहीं तू उनकी लाइफ खराब कर, तेरे को वो नहीं दिख रहा क्या? मेरे से पीछे हट के बात कर प्लीज भैया। नहीं नहीं मैं ना क्या बोल रहा हूं, डिलीट मत मारना प्लीज, प्लीज मत मारो, मैं आपके पीछे हट के बात, मेरे से ना पीछे हट के बात कर प्लीज, प्लीज प्लीज भैया मैं आपसे सॉरी, चुप हो जा, कान पकड़ के नहीं, चाहे तू जो मर्जी कर, मैं नहीं वीडियो डिलीट कर रहा हूं मम्मी जी प्लीज, डिलीट, ठीक है ना आंटी जी? मम्मी जी प्लीज, आपके हस्बैंड को भी तो पता लगना है, घर वालों को पता लगना चाहिए तुम्हारे, घर टूट जाएगा, आप समझ क्यों नहीं रहे? टूटने दो, अरे घर तो पहले ही टूटा हुआ है, घर तो पहले ही टूटा हुआ है भैया, मेरे से गलती हो गई है प्लीज, मैं आपसे माफी मांगती हूँ प्लीज, आपके पैर मेरे पैर फूट मत पकड़, चलिए यहाँ से जी प्लीज, बोलिए ना आप इनको प्लीज, वे क्या बोलेंगी मम्मी जी? आप मेरे को गलती हो गई, मैं आपको अपनी माँ जैसा मानूंगी बेटा, मैंने आपको इतना समझाया आप नहीं समझे हो, हार के मुझे ये कदम उठाना पड़ा मम्मी जी प्लीज, मैं आज के बाद आपसे कुछ भी ऐसा गलत बिहेव नहीं करूंगी प्लीज, आप ये वीडियो डिलीट करा दीजिए मम्मी जी, आपको पता है मेरी मम्मी जीते जी मर जाएगी ये वीडियो देख के, आप तो जानते हो यहाँ पे ना ये मगरमच्छ की आंसू मत बहाओ, खड़ी हो खड़ी हो खड़ी हो भैया प्लीज, खड़ी हो यहाँ से प्लीज, यहाँ से चल निकल, यहाँ से चल जा, यहाँ से प्लीज, नहीं नहीं यहाँ से चुपचाप चली जा, नहीं नहीं प्लीज, मेरे को यहाँ से चली जा, चल निकल निकल यहाँ से, चल 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 चल, हम अपने आप ले आएंगे, चल प्लीज मेरे घर लेकर जाओ, निकल जा यहाँ से। ठीक है आंटी जी, ठीक है भैया, आपको वीडियो से पक्का प्रॉब्लम नहीं ना? नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वीडियो को डाल सकता हूँ? हाँ डाल दो। ठीक है आंटी जी, देखो मैं इस वीडियो को डालूंगा और इसको वायरल करूंगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है? ठीक, और कुछ प्रॉब्लम हो आंटी आपको? नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो आपके पास मेरा नंबर भी है और ये आपकी बहू का, फोन ले जाना अपने पास, ठीक है?
कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अपने अपने बेटे को भी जरूर दिखाना ये वीडियो, ठीक है? आप पे यकीन नहीं कर रहा था ना वो, तो देख लो भाई, मतलब कि अगर माँ सच्चाई बोलती है ना भाई, कहीं ना कहीं उस बात में सच में रियलिटी होती है। चाहे हमारी माँ कितनी बूढ़ी हो जाए, पर वो अपने बेटे का हमेशा भला सोचती है। माँ के बारे में यार कभी भी गलत मत सोचो, ठीक है? तो भाई जहाँ पे भी इनका बेटा है, इस वीडियो को ज़रूर देखें एक बार, और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट भाई ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके जरूर बताना। साइड में इंस्टाग्राम का स्क्रीनशॉट लगाओ, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं भाई एक नेक्स्ट वीडियो में नई मस्ती के साथ। ओके बाय, लव यू ऑल।